टेक्नोलॉजी के ज़माने में आजकल सभी के पास 2G, 3G, 4G तो है ही और हर कोई फ़ोन इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आएगा तो 2G, 3G, 4G का क्या करेगा कोई। नेटवर्क के मामले में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज आना होता है, अगर फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं है तो वो चीज़ आपके पास उस समय नहीं पहुँच पाती है, डिले हो जाती है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में एयरटेल, जियो, वोडाफोन और आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं, उनके मोबाइल नेटवर्क्स कभी कभी नहीं आते हैं और लोग उससे परेशान भी रहते हैं। एयरटेल के नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो एयरटेल के नेटवर्क फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। लोग एयरटेल के नेटवर्क से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और उसके नेटवर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि अगर उसके नेटवर्क नहीं आते हैं तो लोग अपनी इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज को अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन एयरटेल ने अभी कुछ ही दिनों पहले बैंडविड्थ लॉन्च किया है, जिससे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी या फिर नहीं। ऐसे में हम बात करते हैं वोडाफोन के, नेटवर्क तो ठीक ठाक आते हैं और लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और वहीं बात करते हैं जियो के नेटवर्क की, तो इन दिनों सबसे अच्छे नेटवर्क जो हैं जियो के आ रहे हैं, और वो भी पहले भी जियो के नेटवर्क काफ़ी अच्छे आते थे। लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी, तो जियो के नेटवर्क पकड़ ही लेते हैं और बात कर सकते हैं, इतने नेटवर्क जियो में आते हैं। उसके बाद आता है आइडिया की बात, आइडिया के नेटवर्क भी सही आते हैं, लोग उसे परेशान नहीं रहते हैं। हम बात करते हैं वोडाफोन की, तो वोडाफोन के नेटवर्क भी ठीक ही हैं, जियो के नेटवर्क भी ठीक आते हैं, आइडिया के भी ठीक ठाक आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम इन दिनों चल रही है वो एयरटेल के नेटवर्क को लेकर चल रही है। एयरटेल के नेटवर्क से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आज हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन या आइडिया में से किसका मोबाइल नेटवर्क सबसे अच्छा आता है, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और सबसे ज़्यादा ख़राब मोबाइल नेटवर्क किसका है, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट।